गुमारमी में खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम से राशन चोरी मामले में विधायक राजेंद्र गर्ग सामने आए। इस बारे में उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही घटना की सच्चाई जानने के लिए जांच की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भी इस मामले को तूल देने का आरोप लगाया है। यहां तक कि इस मामले से जुड़े आरोपियों को कांग्रेस से संबंधित बताया है। जिला बिलासपुर में सरकार के द्वारा खोली गई सस्ते राशन की दुकानों में आने वाले राशन को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से बेचने का गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। ये गोरख धंधा लंबे अरसे से फल फूल रहा था, मगर इसे प्रमाणों सहित पकड़ा पाना आम जनता के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं था। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला बिलासपुर में बहुत सी सरकारी दुकानों में राशन नहीं मिल रहा था। फिर प्रश्न पैदा होता है कि ये जाता कहाँ है। ऐसा ही मामला घुमारमी के चेहड़ में ग्रामीणों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम से 20 बोरी गेहूं की विभागीय कर्मचारी की मिलीभगत से अवैध रूप से निजी माल वाहक जीप में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ग्रामीणों के द्वारा पूछे जाने पर नियम अनुसार चालक कोई भी स्वीकृति पत्र व बिल पेश नहीं कर सका। जब ग्रामीणों ने कड़ाई से पूछा तो इस दौरान साथ आए एक व्यक्ति ने स्वीकार किया कि मार्केट रेट से थोड़ा कम दाम पर दो नंबर में संबंधित विभाग के कर्मचारी उन्हें गेहूं चावल बेचते हैं। इस गोदाम से अवैध रूप से बड़ी मात्रा में वाहन गेहूं चावल एवं दालों को लेकर जाते हैं। ये सब मिलीभगत से लंबे अरसे से चल रहा है। उन्होंने बताया कि यहां से गेहूं चावल की बोरियां खरीदने के उपरांत थोड़ा अधिक दाम में बेचकर वे मुनाफा कमा रहे हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि ऐसा करना कानूनी अपराध है। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि खाद्य एवं आपूर्ति घुमारमी के अनाज भंडारण की सीबीआई से जांच करवाई जाए, क्योंकि ग्रामीणों ने शक जताया है कि इस गोरख धंधे में संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों सहित बड़े दर्जे के सफेद पोश व्यापारी भी शामिल हैं। मैं पिछले 30 वर्षों से व्यापारिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हूँ। मुझे वर्तमान में पार्टी ने जिला फेडरेशन के अध्यक्ष पद का दायित्व दिया है। पिछले 4-5 दिन पहले किसी शरारती तत्व ने मेरे नाम का दुरुपयोग करके चहड़ में जो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन का गोडाउन है उसमें एक तथाकथित वीडियो बनाया, जिसमें मेरा नाम वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने 7-8 बार किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते हुए लिया। उसके लिए मैंने तत्काल उसी ही दिन SHO घुमारमी, DSP घुमारमी और उससे अगले दिन SP बिलासपुर से उस मामले में कार्रवाई की मांग की है। इससे मेरे राजनीतिक जो जीवन है उसका चरित्र हरण हुआ है। इसके अगेंस्ट मैं बहुत जल्दी ऐसे लोगों पर जिन्होंने वीडियो बनाया है, जिन्होंने वीडियो सर्कुलेट किया है और प्रिंट मीडिया पे जिन्होंने मेरा नाम छापा है, उनके विरुद्ध मैं बहुत जल्दी मानहानि का मुकदमा दायर करने वाला हूँ। इस सारे एपिसोड में मुझे विरोधी दल की जो उसमें एक बू नजर आ रही है, उन लोगों ने किसी षड्यंत्र के तहत मेरे को इस तरह के कारनामे में फंसाया, क्योंकि वो लोग राजनीतिक दृष्टि से हमारा कहीं भी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रदेश सरकार, स्थानीय विधायक और मुझे बार बार टारगेट किया जा रहा है। पिछले दिनों जो यहाँ घुमारवी में गोदाम के बारे में जो एक विषय ध्यान में आया है, एक वीडियो वायरल हुई है, उसके तहत जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ से अनाज जो है इधर उधर बेचा जा रहा है, तो सरकार ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है, प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है और उसकी गहराई से जो है वो जांच की जा रही है, ताकि आगे के लिए इस प्रकार की कोई हरकत ना हो, अगर हो रही होगी। और मेरा ये कहना है कि इस जो मामला ध्यान में आया है, इसके पीछे अब हमारे जो पूर्व विधायक हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने वीडियो बनाई है उन लोगों ने, जो व्यक्ति वहाँ से कोई सामान लेने गया था उससे ज़बरदस्ती ये बुलवाने का प्रयास किया गया कि फलाना व्यक्ति है, फलाना व्यक्ति है, नाम लेकर खुद उन्होंने बताया तो उससे हाँ करवाई है और जिसका कोई आधार नहीं है। और साथ ही विशेषकर जो व्यक्ति वहाँ से सामान ले जा रहा था वो एक दिग्गज कांग्रेसी परिवार का सदस्य है, उसको तो पूर्व विधायक बचा रहे हैं, लेकिन बिना जिस व्यक्ति का इस मामले से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और वो चेयरमैन भी है तो वो डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन का है, ये सिविल सप्लाई का काम है, दोनों का अपना अलग अलग काम है। इसलिए बिना वजह से केवल पार्टी को बदनाम करने के लिए और किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है
ये सारा काम किया जा रहा है, निंदनीय है। वक्त तो चलक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।